प्लाज्मा डोनेशन मात्र 15 दिन के अंतराल पर भी किया जा सकता है। कई हमारे ऐसे जीवन रक्षक हैं, हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, हीरोज़ हैं, जिन्होंने अभी तक 3-3 बार भी प्लाज्मा डोनेट कर दिया है। मैं आज पहली बार प्लाज्मा डोनेशन कर रहा हूं। इसमें केवल और केवल प्लाज्मा कॉम्पोनेंट को बाहर निकाला जाता है और जो आपकी RBCs हैं, जो बाकी ब्लड के कॉम्पोनेंट्स हैं, वो वापस आपकी बॉडी के अंदर वैसे ही बने रहते हैं। इसीलिए आप 15 दिन के अंदर दे सकते हैं। मैं समस्त जोधपुर वासियों से अपील करना चाहूँगा कि वो आगे आएं। जितने भी हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, जिन्होंने कोरोना को हराया है, ना केवल उन्होंने अपने जीवन की रक्षा की है, अब उनको आगे किसी और साथी की जीवन रक्षा करने का एक सुनहरी अवसर मिल रहा है। कृपया करके आप आगे आएं। प्लाज्मा थेरेपी, प्लाज्मा डोनेशन के माध्यम से अगर हम किसी की भी जान की बचाव कर सकते हैं, तो मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही परम कार्य है जिसको हम सब लोगों को साथ में मिलकर निभाना है। आपको प्रेरणा किस तरीके से मिलती है? देखिए, कल भी और लगातार हम कई साथियों से बात कर रहे हैं। नगमा नाम की एक हमारी साथी हैं, जो कि ऑलमोस्ट सबसे पहले पॉजिटिव, पहले 5-10 में उनका पॉजिटिव में नाम आया। उसके बाद उन्होंने ना केवल खुद को सामने रखा और उसके साथ साथ लोगों को टेस्टिंग के लिए प्रेरित किया। टेस्टिंग के साथ साथ एक वातावरण इस प्रकार का बना कि कोरोना से हमें डरना नहीं है, इससे खुलकर लड़ना है। कल मैं जब उनसे इंटरेक्शन कर रहा था, बाकी साथियों से इंटरेक्शन कर रहा था, तकरीबन 25-30 हमारे ऐसे साथी थे जिन्होंने कहा कि हमें दोबारा से भी अगर प्लाज्मा डोनेशन करना पड़ेगा तो हम करेंगे। तो मैं मानता हूँ कि आम जन में जिस प्रकार का एक उत्साह है, जिस प्रकार से एक सकारात्मकता है, उन सबकी सकारात्मकता से मेरे को इंस्पिरेशन मिल रहा है और मैं ये चाहूँगा कि ये सकारात्मकता की बयार और आगे बहे और जोधपुर में हम कोरोना को हराने में बिल्कुल सक्षम तरीके से कार्य करें।